जी भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। क्लास वन और क्लास टू जो मेल एयर्स हैं हमने वो कंप्लीट कर ली हैं जी। ठीक है जी, मेल्स की अगर डेथ होती है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी उसकी क्लास वन में जाएगी, अगर क्लास वन में कोई जिंदा नहीं है तो क्लास टू में जाएगी, अगर क्लास टू में कोई जिंदा नहीं है तो क्लास थ्री दैट इज एग्रेट में चली जाएगी सारी प्रॉपर्टी, अगर क्लास थ्री में कोई जिंदा नहीं है तो कॉग्रेट में चली जाएगी, अगर वो भी नहीं है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी। स्ट्रीट हम लोग उसको वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रीट सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले जाएगी। तो थर्ड एंट्री हम लोग कर रहे हैं आज, दैट इज एग्रेट। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया, क्लियर कर दिया था, जब हम डेफिनेशन कर रहे थे सेशन एक्ट की, एग्रेट और कॉग्रेट के बारे में आपको हिंट दे दिया था। मींस एग्रेट मींस अगर वो पर्सन जो सारा मेल के थ्रू रिलेशन पैदा हुआ है, लेकिन जहां पर फीमेल एंटर कर गई वहां पर वो कॉग्रेट हो गया सारा। ठीक है जी, तो मेल क्लासरूम में सारे मेल पर्सन आते हैं, मीन्स एग्रेट इज अ पर्सन हु वॉज रिलेटेड टू द एंटी स्टेट थ्रू द मेल रिलेटिव ओनली, सिर्फ मेल रिलेटिव ओनली। ठीक है, मेल रिलेटिव ओनली, सिर्फ मेल के थ्रू हमारे रिलेशंस बन रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पे मैं आपको ग्राफ बता के देता हूं। दूसरी बात आप समझ लो पहले कि एग्रेट जो है वो खुद मेल है या फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्रेट के ऊपर वाले रिलेशन है वो सारे मेल होने चाहिए। ठीक है, हम लोग मैं आपको ग्राफ में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपसे फिलहाल आप ये समझो कि जो एग्रेट है वो होली थ्रू मेल है, वहां पर फीमेल एंटर नहीं कर रही, वो सारा सारा मेल के थ्रू आ रहा है रिलेशन, सन सन के सन, सन के सन, सन 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 सन, सारे ऐसे रिलेशन जो है हमारी जो हायरार्की वो मेल के थ्रू आ रही है, वहां पर कहीं भी डॉटर ऐड नहीं हो रही, जहां पर डॉटर ऐड हो गई फीमेल ऐड हो गई वहां पर वो सारा रिलेशन जो है कॉग्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो एग्रेट है वो मेल है या फीमेल है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन एग्रेट के ऊपर वाले रिलेशन नीचे वाले रिलेशन जो है उसको हम देखेंगे, अगर वो सारे मेल थ्रू है तो वो एग्रेट है। ठीक है जी, दूसरी बात, एग्रेट जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, एग्रेट असेंडेड भी हो सकते हैं, डिसेंडेड भी हो सकते हैं और कोलेटरल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको डायग्राम बता दूंगा अभी। यहां पर एग्रेट और कैग्रेट की कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। क्लास वन में तो हमने चार पीढ़ियां रखी हुई हैं, क्लास वन में, क्लास टू में नाइन एंट्रीज डाली हुई हैं, यहां पर क्लास थ्री में कोई लिमिटेशन नहीं है, चलते रहो बस रिलेशन, अगर कोई भी पढ़ा है जिंदा है अगर तो वो एग्रेट है हमारा बस, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो मेल थ्रू होना चाहिए। तो यहां पर जनरेशन कितनी है, कौन सी जनरेशन है, टेंथ है, इलेवंथ है, ट्वेल्थ जनरेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है इसकी। नियर एग्रेट जो हमारे जो नियर एग्रेट और कोवेलेंट है वो हमने क्लास वन में रखे हुए हैं या क्लास टू में रखे हुए हैं, आप ये बस इतना सा ध्यान दे रहे हो। अब मैं आपको डायग्राम बना दूंगा, डायग्राम को देख के आप देख लेना कि वो है क्या, उसमें आपको इजीली आपको खुद को पता लग जाएगा कि जो एग्रेट कौन से है कोवेलेंट कौन से है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारे डिसेंडेंट है, ये हमारे कौन से हैं, यहां देखो एक ही डेथ के बाद नीचे प्रॉपर्टी आ रही है, एक ही डेथ के बाद सन है, सन जो कौन सा है क्लास वन एरिया, लेकिन है तो वो एग्रेट ही है ना, तो सन का सन कौन सा है वो भी क्लास वन में है, सन का सन ये भी क्लास वन है, तो यहां पर तीन जो एग्रेट है वो क्लास वन में हमने उसको जगह दे दी है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि एग्रेट जो है वो सारी एग्रेट है, चाहे वो क्लास वन में है चाहे वो क्लास टू में है, जो मेल थ्रू आ रहे हैं सारे वो एग्रेट है। तो जो हमारे जो नियर जो सबसे जो नियर वो हमारे एग्रेट है, उसको हमने कुछ को हमने जगह क्लास वन में दे दी है, कुछ को हमने जगह क्लास टू में दे दी है, जो बाकी है वो इस थर्ड कैटेगरी में आते हैं, क्लास थर्ड में। तो यहां पर देख लो, सन 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 डॉटर सन 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 सन, ना तो ये क्लास वन में है या ना ही क्लास टू में है,
आप चेक करके देख लो, ये क्लास टू में फॉल नहीं करते, तो ये क्या हुए, एग्रेट हुए। अब इस पर्सन का ये मैंने आपको एक बार एक बात मैंने पहले क्लियर कर दी कि जो एग्रेट है वो मेल है या फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस ये मेल है या फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाले रिलेशन जो है वो सारे मेल होने चाहिए। तो यहाँ पर मेल है ना, सन है तो सन है, तो ये मेल है इसलिए वो क्या है, एग्रेट है। ये हमारा है डिसेंडेंट, डिसेंडेंट नीचे वाला। अब हम लोग असेंडेंट करेंगे ऊपर वाला, हाँ जी ये असेंडेंट है, ये असेंडेंट है, हम ऊपर को जा रहे हैं। ए का फादर क्लास टू है, ए का दादा क्लास टू है, ए के दादे का फादर मींस परदादा और उसकी मदर, उसकी वाइफ मींस, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये दोनों एग्रेट है, ऑल्दो इसका हमने जो सेक्स है चाहे वो मेल है या फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आ किससे रहे हैं, सारे मेल थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। एफ फादर भी मेल है, फादर का फादर भी मेल है, ये जो मेल है तो ये दोनों क्या हुए, एग्रेट हुए, ठीक है जी। ये क्लास थ्री में एग्रेट है तो इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर क्लास वन में कोई नहीं है, क्लास टू में कोई नहीं है तो यहां पर इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये हमारे हुए असेंडेंट अपवर्ड्स, ये थे हमारे डिसेंडेंट्स नीचे वाले। तो ये भी देख लो, ये क्लास वन में नहीं है, क्लास टू में भी नहीं है, इसलिए वो एग्रेट हुए, थर्ड कैटेगरी में आ गई। यहाँ पर फादर क्लास टू में है, दादा जो है क्लास टू है, लेकिन उसके दादे का फादर दादे की मदर क्लास टू में नहीं है, तो ये है तो सारे मेल थ्रू रिलेशन है, तो ये हमारे एग्रेट हुए। अब तीसरा कोलिटरल, अब कोलिटरल क्या वो भी देख लो, हाँ जी यहां पर ए है और यहां पर ए के फादर भी डेथ हो चुकी है, फादर के फादर की डेथ हो चुकी है, ये तो क्लास टू में दोनों है ना, फादर का दादे का ब्रदर ये क्लास टू में नहीं है, इसकी भी डेथ हो चुकी है, ब्रदर का सन, सन का सन, यहां पर ब्रदर सन सन, अगर ये जिंदा है, ऊपर वाले सारे डेथ हो चुकी है, सबकी डेथ हो चुकी है, तो ये जो रिलेशन है वो होली थ्रू मेल आ रहा है। ये देखो ब्रदर सन है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, तो ये क्या हुआ, एग्रेट हुआ, लेकिन कौन सा एग्रेट हुआ, कोलेटर। अब ये दोनों आपस में कजन है, चेक करके देखो, ठीक है, ये आपस में कजन है, तो दादे का ब्रदर, ठीक है, दादे के ब्रदर में फादर जो था, यहां पर दोनों कॉमन आ गई है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कॉमन क्रिएट करें तो यहां पर आ गया फादर्स फादर्स फादर, ये कॉमन है, इनके दो बेटे थे ये और ये, इनका बेटा इनका बेटा इनका बेटा इनका बेटा, तो ये क्या हुए, आपस में कोलेटरल रिलेशन हुए, तो ये होली थ्रू मेल आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये क्लास वन में नहीं है, क्लास टू में नहीं है, ये क्या है, थर्ड कैटेगरी में आता है, क्लास थ्री में एग्रेट होली थ्रू मेल, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। रूल्स क्या है हमारे, ईच जनरेशन इज कॉल्ड है डिग्री, हम सारी जो जनरेशन उसको डिग्री मान के चलते हैं, ठीक है जी। For the computation of the degree, the starting or the first degree in the antestate himself, जो starting point है वो antestate है, जिसकी death हो रही है उससे हम लोग counting करेंगे, इससे हम लोग counting करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो class टू में है class वन में है, जो nearer है तो वो तो class वन में fall कर गया, class टू में fall कर गया, जो ऊपर वाले बचे हैं वो हमारे class थ्री में aggregate हो गए, ठीक है जी। So degree of ascent means इन द असेंडेंट एंसेस्ट्रल और अपवर्ड्स और डायरेक्ट डायरेक्शंस, यहां पर हमने मैंने तीनों आपको बता दिया कि जो एग्रेट है वो तीन डायरेक्शन में हम लोग काउंट करते हैं, एक डिसेंडेंट जो नीचे आ रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है असेंडेंट,
एक कोलेटरल है। तो मैंने तीनों आपको बता दिए, तीनों रिलेशन में तीन डायरेक्शन के टाइप्स के हमारे एग्रेंट होते हैं। दूसरी बात, जो तीनों मैंने बता दिया, असेंडेंट डिसेंडेंट, ठीक है, कोलेटरल मैंने बता दिया। एग्रेंट हु हैज ओनली डिसेंडेंट डिग्री इज प्रेफर्ड ओवर द वन हु हैज ओनली असेंड डिग्री। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, जो नियरर है उसको प्रेफरेंस देंगे हम, जो नियरर है हम उसको प्रेफरेंस देंगे, जो सबसे नियर रिलेशन है हमारे उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। जो दूसरी बात है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट बात है कि एन एग्रेंट हु हैज ओनली डिसेंडेंट, अगर ऐसा एग्रेंट जिसके सिर्फ डिसेंडेंट ही है, लेकिन जो डिसेंडेंट नियरर है, नियरर टू द किसके एंटीस्टेट के, उसको हम लोग सारी प्रॉपर्टी दे देंगे। उसके बाद नीचे नीचे जो चाहे मर्जी, जितने मर्जी हो, जो सबसे पहले है हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है जी। लाइक जैसे हमने क्लास टू में किया था, क्लास टू में एंट्रीज की थी ना, जो जिंदा है सबसे पहले उसी को मिलेगी सारी प्रॉपर्टी, नीचे वाले कुछ नहीं मिलेगी, वैसे ही हमारी ये रिलेशन है, ठीक है। लाइक सपोज यहां मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, यहां पर सपोज फादर का फादर भी है, ये भी बचा है। अब यहां पर है तो ये भी एग्रेंट है और ये भी एग्रेंट है, लेकिन जो नियरर है, नियरर कौन है, ये, इसी को प्रेफरेंस देंगे हम लोग, ऊपर वाले को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। लाइक ऐसे है, यहां पर सन्स, सन सन सन्स है, इसके नीचे वाले भी अगर सन हुआ तो उसको इग्नोर कर देंगे, इसको प्रेफरेंस दे देंगे। जो नियरर है सिर्फ उसी को प्रॉपर्टी मिलेगी, बस आप इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखना, जो नियरर है, जो एंटीस्टेट के जो नियरर है हम उसी को प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है जी। बस इतना सा रूल है हमारा, और कुछ नहीं है इसमें। या मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, हाँ जी, पी की डेथ के बाद पी का फादर क्लास टू है, क्लास टू एयर्स है, डेफिनेटली उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो दादा है वो फिफ्थ एंट्री में क्लास टू में, उसकी डेथ हो चुकी है। अब फादर दादे का जो बेटा है, उसके बेटे के बेटे और उसके बेटे का डॉटर, तो ये बेसिकली टोटली क्लास वन में फॉल नहीं करते, क्लास टू में फॉल नहीं करते, वो क्या है हमारे असेंडेंट है, एग्रेंट है, एग्रेंट थ्रू मेल है। अब यहां पर मेल क्या है, फादर भी मेल है, दादा भी मेल है, दादे का बेटा भी मेल है, और इसको तो हम लोग चेक नहीं करेंगे कि वो मेल है फीमेल है। तो ये खुद, ये जो एग्रेंट है, इनका जो रिलेशन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किससे आ रहे हैं वो फर्क पड़ता है। अगर वो होली थ्रू मेल आ रहे हैं तो वो एग्रेंट है, ठीक है जी। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्रेंट का, इसको आप चेक कर लेना ध्यान से, ठीक है। इन केस अगर कोई आपको डाउट हुआ तो प्लीज आप पूछ लेना। लास्ट ग्राफ आपको बताता हूँ, लास्ट जो ग्राफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था एग्रेंट की जो सबसे नियर रिलेशन है हम उसी को प्रेफरेंस देंगे। अब उसका डायग्राम देख लो आप, क्योंकि एग्रेंट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत बात है, जो सबसे नियर टू द एंटीस्टेट है उसी को प्रॉपर्टी मिलेगी, जो दूर का है वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, हाँ जी, ये देख लो हैग्रेट का रूल क्या है, जो नियरर टू द रिलेशन है, इस पर्सन का जो नियर रिलेशन है हम उसी को प्रेफरेंस देंगे। यहां पर देखो, एक का फादर क्लास टू, ठीक है, उसका फादर मींस एक का दादा वो भी क्लास टू है,
अब ए का जो फादर है, फादर का ब्रदर है, वो भी क्लास टू है। ब्रदर का सन, ब्रदर का सन, ए के ब्रदर का सन, वो क्या है, क्लास टू में है, ठीक है, ये भी देखना। अब इसका अगर सन हम लोग बाद में बनाएंगे, ब्रदर सन्स सन, अब जो ब्रदर सन्स सन है वो क्लास टू में नहीं है। अब इसे देखें, ए का फादर, ए का दादा, परदादा, परदादे का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो यहां पे कौन सी जनरेशन होगी आप देख लो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स पॉइंट पे आता है, और यहाँ पे 1 2 3 और फोर्थ पॉइंट पे आता है, तो नियर कौन है, एंटीस्टेट के ये पर्सन है, तो इसी को सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, नियर टू द एंटीस्टेट, आपको सिर्फ इतना देखना है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। ये कंसेप्ट है हमारा एग्रेंट का है। एग्रेंट का कंसेप्ट में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, आप बस इतना सा ध्यान में रखना कि जो रिलेशन मेल थ्रू आ रहा है, ओनली थ्रू मेल, ओनली वर्ड यूज किया मैंने, वो सारे एग्रेंट है। नियर जो एग्रेंट है वो क्लास वन में है, नियर जो एग्रेंट है वो क्लास टू में है, बाकी हमें क्लास थ्री में डाल दिया एग्रेंट, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रेंट, होप कि आपको समझ लग गया होगा, ठीक है जी। इनकेस अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज काइंडली शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल प्रेस बटन आप जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।